एनी फ्रैंक को उनके युद्धकालीन डायरी द डायरी ऑफ यंग गर्ल के लिए जाना जाता है। इस डायरी में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के नीदरलैंड्स पर आधिपत्य के दौरान उनके अनुभवों को संकलित किया गया है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। कितना अद्भुत विचार है कि हमारे जीवन के कुछ सबसे अच्छे दिन अभी तक हुए भी नहीं है। हमारा जीवन हमारी पसंद से निर्मित होता है। पहले हम अपना चुनाव करते हैं, तब हमारी पसंद हमें बनाती है। जो किया जाता है उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे दोबारा होने से रोका जा सकता है। आप हमेशा कुछ दे सकते हैं, भले ही वह केवल दयालुता ही क्यों न हो। हम अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कौन बने। जहां आशा है वहां जीवन है। यह हमें नए साहस से भर देता है और हमें फिर से मजबूत बनाता है। यह कितना अद्भुत है कि किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को बदलने के लिए अभी से शुरू कर सकता है। सब कुछ के बावजूद मेरा मानना है कि लोग वास्तव में दिल के अच्छे होते हैं। जो लोग डरे हुए हैं, एकांकी हैं या दुखी हैं, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वे बाहर जाएं। हम सब जीवित हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्यों या किस लिए। हम सब खुशी की तलाश में हैं। हम सब जीवन जी रहे हैं जो अलग है और फिर भी वही है। आलस्य आकर्षक लग सकता है, लेकिन काम संतुष्टि देता है। माता पिता केवल अच्छी सलाह दे सकते हैं या उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र का अंतिम निर्माण उनके अपने हाथों में होता है। मैं सभी दुखों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उस सुंदरता के बारे में सोचता हूं जो अभी भी बनी हुई है। यह कितना अद्भुत है कि हम इसी क्षण से अच्छा करना शुरू कर सकते हैं। हम सभी खुश रहने के उद्देश्य से जीते हैं। हमारे सभी जीवन अलग हैं, फिर भी वही है। सहानुभूति, प्रेम, भाग्य, हम सभी में ये गुण हैं, लेकिन फिर भी उनका उपयोग नहीं करते हैं। लोग आपको अपना मुंह बंद रखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यह आपको अपनी राय रखने से नहीं रोकता है। यदि आप सुख अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको काम करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। आलसी और जुआरी नहीं बनना चाहिए। आलस्य आकर्षक लग सकता है, लेकिन काम संतुष्टि देता है। आपके सामने रखने के लिए एक सुनहरा नियम है। हर चीज के बारे में हंसो और दूसरे के बारे में खुद को परेशान मत करो। बहुत अधिक कल्पना ना करें। यह आपको कहीं नहीं ले जाता है। यह अंत नहीं है, यह अंत की शुरुआत भी नहीं है, लेकिन यह शायद शुरुआत का अंत है। जो कोई इसे नहीं जानता, उसे अनुभव से सीखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि शांत अंतःकरण व्यक्ति को बलवान बनाता है। एक खाली दिन, हालांकि अस्पष्ट और उज्जवल, किसी भी रात की तरह ही अंधेरा होता है। लंबे समय में सभी का सबसे तेज हथियार एक दयालु और कोमल आत्मा है। भविष्य में मैं भावुकता को कम समय और वास्तविकता को अधिक समय देने जा रहा हूं। व्यक्ति के चरित्र का अंतिम रूप उन्हीं के हाथों में होता है। जो खुश है वही दूसरों को खुश करेगा। साहस और विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी दुख में नहीं मरेगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।